बोला भी था कि सरकार ने नियोजन नीति जब नहीं लागू कर पाई तो उन्होंने कहा कि हम आउटसोर्सिंग, जब हमारे यहाँ जितने निजी उद्योग कंपनी रहेंगे, आउटसोर्सिंग कंपनियाँ आएगी, वहाँ पर स्थानीय लोगों को 75% हम रोजगार देंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक स्थानीय कौन है इसकी परिभाषा नहीं निकाल पाई है। तो कहीं ना कहीं सरकार झूठ बोल रही है। और सदन में भी अभी कोई सदस्य ने सवाल लाया था, उसमें इन्होंने साल भर में मात्र 375 लोगों का ही रोजगार ये 75% आर्जन के माध्यम से देने का कही। तो कहीं ना सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। अरे भाई, 85 वाले 32 के बाद, हम तो शुरू से 32 के समर्थन में रहे हैं। और हम लोग जब दल में, आज भारतीय जनता पार्टी, आज हम लोग सरकार में, जब हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सब लोग 32 का समर्थन करके भेज दिए, तो अब उनको वो सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं है। सर्वसम्मत से सदन से 1932 पास करके किया गया है। केंद्र में आप क्यों भेजे, जब आपको नीति बनाना था, OBC का आरक्षण आपको देना था 27%, आप हर चीज केंद्र को क्यों भेजे? देश के नरेंद्र भाई मोदी जी ने OBC जहां जहां अन्य प्रदेशों में उन्होंने स्पष्ट पत्राचार किया कि राज अपने हिसाब से आरक्षण का ये करे। मोदी सरकार से फिर भी नहीं करना है इसमें? नहीं नहीं, मोदी सरकार जी के पास ये भेजेंगे, पहुंचेगा तब ना बोलेंगे हम लोग, ये तो जाते ही नहीं है। और सरकार से आज राज का जो खाली है, केंद्र से किसी तरह का सहयोग नहीं लेते हैं, खाली केंद्र पर आरोप लगाते हैं, जबकि केंद्र का जो पैसा आता है ये खर्च नहीं कर पाते हैं, चाहे आदिवासियों की कल्याण की बात। अरे भाई, आप पत्राचार कीजिए, आपको मिल रहा है, आपको तो DMFT का पैसा कितना मिल गया, हर जिला में 500-700 करोड़ DMFT का पैसा। और DC और वहाँ आप DC को अध्यक्ष बना दिए, उन लोग एक पैसा खर्चा कर नहीं पाता, सोच नहीं पा रहा है। और वो ऐसी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजना है, उन चीजों को नहीं लिया जा रहा है। बच्चा बच्चा जान रहा है कि उनका भविष्य खतरे में है, इसलिए कि आप 60-40 का मतलब है, 60 तो हमारा हक है, लेकिन 40 के लिए जो आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया है, तो ये ओपन फॉर ऑल किया है तो फिर यहाँ के लोगों के लिए क्या होगा? आप कहीं पर भी जाइए, वहाँ के स्थानियों के लिए स्पष्ट वहाँ पर रिजर्वेशन रहता है, लेकिन यहाँ नहीं है। सड़क पर युवा है, सब वहाँ पोह की स्थिति में है। और भूमिका आप क्या होगी युवाओं के हित में? निश्चित रूप से सड़क से सदन तक का आंदोलन हम लोगों ने किया है, और आज फिर बात होगी, अपने नेता सदन आएंगे, प्रतिपक्ष के नेता अपने बाबूलाल मरांडी। इस सरकार को भागने नहीं देना, इनके जवाबदेही से भागने नहीं देना, इसको इनके जवाबदेही तय करानी है, और जो झारखंड के युवाओं का जो सपना है, झारखंड के युवाओं को जो अधिकार है उसको दिलाना है। वो भटका करके लोगों को जो है अपने नीतियों पर साधना चाहती है, और कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके कंफ्यूजन का माहौल है, कोई बोलता है DJ बंद है, कोई बोलता है पारंपरिक हथियार नहीं ले जाने देंगे, 144 लगाया जा रहा है, 107 लगाया जा रहा है। तो ये डराने धमकाने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, देखिए क्या होता है। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।